आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। हम अमरत्व से नहीं बल्कि अमरत्व प्राप्त कराने वाले श्री शिव जी की आराधना करते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमय बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 5 जून 2023 चंद्रमा धनुराशि में अहोरात्र नक्षत्र है केतु का मूल देर रात्रि तक। आज गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती है। सतनाम वाहे गुरु। जागतिक पर्यावरण दिन भी है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव आज के ग्रह नक्षत्रों का। मेष राशि आपके लिए चंद्रमा धनु राशि में यानी कि नए नए कामों के ऑफर्स लेकर आता है आज का दिन और आपको धार्मिक यात्राओं पर भी ले जाता है। आपके बड़े भाई बहनों से आपकी कम पड़ती है लेकिन काम बनते हैं। वृषभ राशि आज के चंद्रमा आपकी तबीयत को थोड़ा सा नासाज कर सकते हैं। आप क्या करें, आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें या राधा कृष्ण की आराधना करें। साथ में तबीयत ठीक करने के लिए शुक्र के उपाय करें। मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए आज आपको शांति से रहना है। आपको सुहाता नहीं केतु का ये नक्षत्र और नहीं सुहाता आज का चंद्रमा। बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत को संभालते हुए करना चाहिए सारे काम। आपको अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन में भी संभल कर रहना है। कर्क राशि आपके लिए आज के चंद्रमा कहते हैं कि आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम हो जाएंगे। आपके बैंकिंग रिलेटेड काम भी हो जाएंगे। लोन लेना है, देना है, मांगना है, मांग के देखिए, हो सकते हैं आपके काम। सिंह राशि मानसिक बेचैनी रहती है आपको। हालांकि इसके साथ साथ आप अपने बच्चों के व्यवहार से आहत हैं लेकिन फिर भी आपकी येन केन प्रकारेण पटे ही जाती है। आप येन केन प्रकारेण स्थिति को अपने अच्छा ही कर लेते हो और बच्चों के साथ संभल के रहें, स्पेस बना के रहें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि आपके लिए माता पक्ष से सपोर्ट तो है लेकिन आपको उनसे मतभेद नहीं करना चाहिए। वाहन वगैरह आराम से चलाएं और साथ साथ अपने घर की व्यवस्था को अच्छा रखें। इन्वेस्टमेंट घर में ना करें। तुला राशि आज के चंद्रमा कहते हैं यात्रा पर जाइए तो लाभ होगा। आधा अधूरा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ काम आपका भाई बहनों की मदद से बन जाएगा। उत्साह उमंग आंशिक बना रहेगा। वृश्चिक राशि परिवार से आंशिक सपोर्ट फिर भी आपके धन लाने में काफ़ी आप एग्रेसिव हैं। आपका परिवार भी बोलने चलने में थोड़े सक्कड़तूपन ना लाए हालांकि आप बड़े कूल स्वभाव के हैं। धनु राशि आपके कई सारे काम जो चंद्रमा बना सकता है लग्न में आकर उनको बनाइए, ना कि आप माता से मतभेद करें क्योंकि जब भी धनु लग्न वालों के लग्न में चंद्रमा आता है तो उनका माता से मतभेद होता है। आप अपने काम बनाने की कोशिश कीजिए। मकर राशि आपके लिए कई सारे काम जो हैं वो विदेशों से रिलेटेड बनते हैं विवाहित जीवन के सपोर्ट से, और अगर विवाहित नहीं है तो आपके प्रेम संबंध हैं तो उनके सपोर्ट से या व्यावसायिक सपोर्ट से। खर्चे ऐसे होंगे जिनमें आप खुश रहेंगे। कुंभ राशि आपके धन आने की पूर्ण सूचना, आपके शेष विवाद से आपको मुक्ति मिल सकती है लेकिन आंशिक रूप से, और अपना स्वभाव अगर अच्छा रखें एमी के भी खत्म कर सकते हैं। मीन राशि आपके ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से रिलेटेड काम तो बनते ही हैं। आपके पिता से आपको आंशिक रूप से सपोर्ट मिलता है और आपके कई सारे काम बनते हैं। कई लोगों को वहम होता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से पैसा नहीं आता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है। अब ये दोनों ही बातों को अगर एक तरफ रखें और वास्तु की बात करें तो घर में पौधे लगाने से आपके घर में खुशहाली आती है, हरियाली आती है, सुंदर दिखता है
और व्यवसाय से रिलेटेड उन्नति होती है। बुध की स्थिति अच्छी होती है। जागतिक पर्यावरण दिन पे चलिए आइए, मनी प्लांट ना सही तुलसी ही लगाएं, लेकिन घर के अंदर कोई पौधा लगाएं, उसे पनपाएं अपने हाथ से। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। ये भी बता दूं कि बौने पौधे नहीं लगाने चाहिए, उससे आपकी उन्नति रुक जाती है। आइए हम जानें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उनको नक्षत्र और चंद्रमा दोनों सुहा रहे हैं और पैसा भी ला के देगा और काम भी ला के देगा ये नक्षत्र। तो आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सुनील यादव जी दिल्ली से लिखते हैं, भाई बहन से रिलेशन ठीक नहीं रहता, नंबर दिया है 64। सुनील जी, भाई बहन से रिलेशन ज़रूर अच्छा रहेगा, फ़ोन उठाइए, बात करिए, क्या समस्या है पूछिए। थोड़े कर्मठ हैं वो और थोड़ा सा आपसे विरोधाभास है स्वभाव में, इस कारण हो सकता है आपके बड़े भाई बहन आपका ध्यान रखें, तो पहले उनसे बना लीजिए, छोटों को मना लीजिए या थोड़ा सा चुप रहिए, स्पेस बनाइए, कीजिए महामृत्युंजय के जाप। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।